ड्रग डीलर पैसों के चक्कर में फंस जाता है। ये पैसे उसे इंश्योरेंस से मिलने वाले थे। उसने किलर हायर किया, पर इस किलर को एज ए कोलैटरल कुछ चाहिए था, तो अपनी सिस्टर को कोलैटरल रख देता है। और आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी किलर जो 2011 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हमें बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्रिस, ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ घर पर आता देख सकते हैं। बाहर बारिश चल रही थी और उसके मदर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, तो अपने फादर के पास वो आ गया। उसके फादर ने शार्ला नाम की लड़की से शादी कर ली थी। क्रिस की सिस्टर डॉटी भी इनके साथ ही रहती है। शार्ला पूछती है, क्या तुम्हारी मदर ने फिर से तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? फादर कहते हैं कि क्या तुमने उसे फिर से मारा? क्रिस कहता है कि मैंने सिर्फ उसे पुश किया था। क्रिस अपने फादर एंजल से कहता है कि जल्दी से पैंट पहनो, हमें बाहर जाना है, एक प्राइवेट चीज पर मुझे आपसे बात करनी है। बाहर जाकर उसने कहा कि मुझे $6,000 की जरूरत है। अगर उसने वो पैसे पे नहीं किए तो उसके बॉस उसे मार डालेंगे। एक्चुअल में क्रिस ड्रग डीलर था। एंजल ने कभी भी इतने पैसे देखे नहीं थे, तो उसे वो हेल्प नहीं कर सकते। क्रिस कहता है कि मुझे सिर्फ $1,000 दे दो, बाकी का मैं इंतजाम कर लूंगा। पर इतने भी पैसे एंजल के पास नहीं थे। एंजल उसे पूछता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। क्रिस ने कहा कि मेरे पास ड्रग्स थे और मदर ने वो चोरी कर लिया। मदर और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर इसे सेल कर दिया था। अब जितने पैसे अपने बॉस को उसे देने थे उतने उसके पास नहीं थे, इसी वजह से अपने मदर के साथ उसका झगड़ा हुआ था। मदर के बॉयफ्रेंड का नाम है रेक्स। क्रिस अपने फादर से कहता है कि अगर आपको $15,000 मिल सके तो आप क्या करोगे? एंजल ने कहा कि मैं कुछ भी सेल नहीं करने वाला। क्रिस कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर को जानता हूँ जिसका नाम है जो। ये अपने फ्री टाइम में लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। वो खुद पुलिस ऑफिसर है तो इस वजह से उस पर कोई भी शक नहीं करता। मदर के नाम पर एक पॉलिसी है जिसकी वर्थ $50,000 है। इसकी नॉमिनी डॉटी है, क्रिस की सिस्टर। अगर वो मदर को मार डालते हैं तो पैसे उनके हो जाएंगे। एंजल इस बात को लेकर डर रहा था, पर क्रिस कहता है कि जो एक प्रोफेशनल है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो इस काम के $20,000 लेगा और बाकी $30,000 हम रख लेंगे। एंजल ने कहा कि पैसों के चार हिस्से पड़ेंगे, डॉटी, तुम्हारी स्टेप मदर, तुम और मैं। इस बात के लिए भी क्रिस मान जाता है। क्रिस ने कहा कि डॉटी के लिए भी सही होगा, उसे कॉलेज जाना था और अब वो जा पाएगी। ये जब दोनों गाड़ी में बात कर रहे थे तो डॉटी स्लीप वॉकिंग करते हुए बाहर आ गए। वो थोड़ी सी एबनॉर्मल टाइप थी और अब तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, सब उसके लिए परेशान थे। घर में आने के बाद डॉटी कहती है कि मदर को मारने का आइडिया बहुत ही अच्छा है। इसके बाद वो सोने के लिए चली गई। अब नेक्स्ट सीन में किलर जो हमसे इंट्रोड्यूस होता है, वो इसे मिलने के लिए घर पर आया। क्रिस और एंसल काम कर रहे थे तो डॉटी घर पर अकेले ही थी। वो मूवी देखते हुए कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। जो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अपनी मीटिंग के बारे में उसने उसे बात की। डॉटी से बात करने लगती है, पूछते हैं क्या तुम टीवी में जैसे डिटेक्टिव दिखाए जाते हैं वैसे ही कुछ काम करते हो? जो ने कहा कि मैं एक्चुअल डिटेक्टिव हूँ। वो क्यूरियस थी कि क्या जो ने कभी किसी को शूट किया है। जो कहता है कि जिन लोगों को मैंने मारा है तुम उन्हें नहीं जानती, वो बहुत ही मिस्टीरियस और डेंजरस था। थोड़ी देर में क्रिस ने जो को कॉल किया और वो कहता है कि हम जरा काम पर है, तुम यही आकर हमसे बात करो। वहां पर पीछे एक शांत जगह थी जहां पर वो बात कर सकते थे। क्रिस कहता है कि मेरी मदर को मारना बहुत ही जरूरी है, पर ये काम मैं नहीं कर सकता। जो कहता है कि मुझे इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम काम की बात करते हैं। मैं जो भी काम करूंगा इसके मुझे $25,000 लगेंगे। क्रिस ने सिर्फ $20,000 बोले थे तो आंसर को थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर फिर भी इस बात के लिए मान जाते हैं। जो कहता है कि मुझे सारे पैसे एडवांस में चाहिए, तुम्हारी मदर का मुझे पूरा शेड्यूल दोगे और उसी के हिसाब से मैं उसे मार डालूंगा। इस काम में मेरे कुछ रूल्स हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई और पुलिस तुम पर शक करते हैं और इसमें अगर तुमने मेरा नाम ले लिया तो मैं सब लोगों को मार डालूंगा। वो फिर अपना एडवांस मांग रहा था। क्रिस कहता है कि मेरे पास कुछ भी एडवांस नहीं है, एक्चुअल में मदर को मारने के बाद ही पॉलिसी के पैसे हमें मिलेंगे और हम वो तुम्हें पे कर देंगे। जो कहता है कि इस तरीके से मैं काम नहीं करता। इसके बाद वो यहाँ से जाने लग जाता है और बाहर उसने डॉटी को खेलता हुआ देखा। थोड़ी टाइम में उसे लाइक करने लग गया था। जो क्रिस से कहता है कि हम एक अलग डील कर सकते हैं, जब तक काम नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी सिस्टर तुम मुझे दे दो एज ए कोलैटरल। इसके बाद वो चला गया। एंजल कहता है कि हमें उसकी क्या जरूरत है, हम खुद मर्डर कर लेंगे। क्रिस ने कहा कि हमसे छोटी छोटी चीजें सही से हो नहीं पाती और हम मर्डर क्या करेंगे। इन्होंने इस बात पर थोड़ा सा सोचा और दोनों मिलकर डॉटी को एज ए कोलैटरल रखने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम शार्ला को देखते हैं। शार्ला किसी और आदमी के साथ बातें कर रही थी, आज रात उसके साथ मिलने वाली थी। शार्ला को उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था और उन दोनों के न्यूड फोटोज भी उसके पास थे।
थोड़ी देर में शारला से मिलने के लिए डॉटी आ जाती है। शारला को भी सारे प्लान के बारे में पता था। उसे पता था कि डॉटी को एज ए कोलेटर रखा गया है। वो डॉटी से कहती है कि आज शाम हमारे यहाँ पर एक गेस्ट आने वाला है, उसके लिए बहुत ही अच्छे से तुम रेडी हो जाना। उसे नया ड्रेस बाय करने के लिए कुछ पैसे देती है। शारला ने पूछा कि क्या तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड था। डॉटी ने कहा कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। हमारा प्यार एक प्योर लव था। हमने कभी भी एक दूसरे को टच नहीं किया था। थोड़ी देर में यहाँ पर एंसल भी आ गया और शारला एंसल से बात करती है। उसने कहा कि डॉटी को इन सब चीजों में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो कभी भी एक्चुअल डेट पर नहीं गए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंसल को इस बात से ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो फिर जाकर डॉटी के लिए एक अच्छा सा ड्रेस बाय करते हैं। ये ड्रेस डॉटी ने एंसल को दिखा और वो कहती कि मुझे इसमें अनकंफर्टेबल लग रहा है। एंसल कहता है कि लड़कों को ऐसी ही ड्रेस पसंद आती है। डॉटी पहनने के लिए मना करते हैं तो एंसल उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। इन दोनों में झगड़ा बहुत ही बढ़ चुका था। तभी क्रिस घर पर आया। वो डॉटी को बचा लेता है तो उसे कहा कि उसे जो भी कंफर्टेबल लगे यही उसे पहनना चाहिए। शाम में जो घर पर आ जाता है तो सारे लोग घर से बाहर निकल गए। इसी के पहले हम देखते हैं कि शारला का जिस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था आज रात उसके साथ एक मोटेल में मिली। जो के आने के बाद डॉटी अपने रूम में जाकर रो रही थी। उसे कहती है कि मैं बाहर नहीं आना चाहती। जो कहता है कि तुम्हें अपना जितना टाइम चाहिए उतना तुम ले सकते हो। उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसे एक स्टोरी सुनाता है। ये सुनने के बाद चेंज कर कर वो बाहर आ गए। जो ने डॉटी के लिए कुछ फ्लावर्स लाए थे जो उसे बहुत पसंद आते हैं। नेस के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था इसके बारे में डॉटी ने उसे बता दिया। जो कहता है कि मैं तुम्हें उस ड्रेस में देखना चाहता हूँ। इस बात को इग्नोर करती है। जो ने पूछा क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। डॉटी ने कहा कि नहीं करती। जो कहता है कि ये भी बात सही है। इसके बाद ये दोनों अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। डॉटी पूछती है कि तुम मेरी मदर को कैसे मारोगे। जो ने कहा कि डिनर के वक्त हमें इन सब चीजों को लेकर बात नहीं करनी चाहिए। डॉटी कहती है मैं मेरी फैमिली में सिर्फ अपने ब्रदर से ही प्यार करती हूँ। जब मदर और फादर का डिवोर्स हुआ था तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। एक रात वो मेरे पास आकर सो गया था और उस रात के बारे में हमने कभी भी बात नहीं की। जो इन सब बातों को स्टॉप करता है और कहता है जाओ और जाकर वो ड्रेस पहन कर आओ। वो रूम में जा रही थी तो उसने उसके सामने ड्रेस पहनने के लिए कहा। इसके बाद उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस के पास $1,000 थे। ये सारी मैच उन $1,000 की वजह से स्टार्ट हुई थी। ये वैसे लेकर वो घोड़ों की रेस में लगा देता है। वो कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी सिस्टर को जो से वो छुड़ा ले। ये रेस भी वो हार जाता है। जैसे वो बाहर निकला तभी उसके बॉस के आदमी उसका पीछा करने लग गया। वहां से भागने की बहुत कोशिश करता है, अलग अलग जगह पर छुपा, पर फाइनली उसे वो ढूंढ लेते हैं। उसका बॉस उसके पास आ गया। वो उसे कहता है कि लास्ट संडे पर हमारे यहाँ पर पार्टी थी, तुम आए क्यों नहीं। मेरी डॉटर तुम्हारा वेट कर रही थी। बॉस क्रिस के साथ बहुत ही फ्रेंडली था, पर जब वो वहां से चला जाता है तो बॉस के आदमी क्रिस को बहुत मारते हैं। ऐसी बुरी हालत में रात में क्रिस घर पर आया। सब मिलकर उसका ख्याल रखते हैं। अगले दिन क्रिस जो से मिलने के लिए आता है। उसने पूछा तुम मेरी मदर को मार नहीं रहे और मेरी सिस्टर का फायदा उठा रहे। जो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये काम मैं ना करूं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी आज रात मैं तुम्हारी मदर को मारने वाला था। क्रिस कहता है कि तुम कभी भी काम करो पर मेरी सिस्टर को छोड़ दो। जो ने कहा कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें काम मुझसे नहीं करवाना चाहते तो अभी बोल दो। पर क्रिस कुछ भी बोल नहीं पाता। उसे भी इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पूरी दिन क्रिस इन सब बातों के बारे में बहुत सोचता है और रात में वो जो के पास आ गया। उसे कहता है कि अब ये काम मत करो। जो कहता है कि मेरे साथ चलो। क्रिस ने जो भी डॉटी के साथ किया था इस बात को लेकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है कि मुझे अब इन सब चीजों से दूर चले जाना चाहिए। जो उससे ज्यादा कुछ बात नहीं करता और क्रिस की मदर जहाँ पर काम करती थी वहीं पर उसे वो लेकर आता है। मदर की गाड़ी के पास हो गए और जो ने डिक्की खोली तो मदर की डेड बॉडी उसमें ही थी। पेट्रोल की टैंक से उन्होंने कुछ पेट्रोल बाहर निकाल दिया और उसे आग लगा रहे थे। डेड बॉडी निकाल कर उन्होंने फ्रंट सीट पर रख दी थी। सबको लगेगा कि एक्सीडेंटल डेथ थी। अगले दिन क्रिस डॉटी के साथ बात करता है। कहता है कि तुम्हें बताया कि सब कुछ क्या चल रहा है, अगर मेरे पास कुछ अलग चॉइस होती तो मैं वही करता। आज एंसल और शारला ये दोनों वाइफ के लॉयर से मिलने के लिए गए थे। वसीयत पढ़ी जाती है और इस बात से एंसल बहुत ही ज्यादा अपसेट था। एंसल उसे मारकर पूछता है कि पॉलिसी की नॉमिनी डॉटी है, इसके बारे में तुम्हें किसने बताया था। क्रिस ने कहा कि मदर के बॉयफ्रेंड है। एंसल कहता है कि एक्चुअल में नॉमिनी डॉटी नहीं तो तुम्हारे मदर का बॉयफ्रेंड ही था और उसी ने यह सब प्लान किया था। सब लोग क्रिस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जो के बारे में भी क्रिस को मदर के बॉयफ्रेंड ने बताया हुआ था।
उसकी मदर का फ्यूनरल है, तो क्रिस को कहता है कि डॉटी को लेकर वहां पर पहुंच जाना। क्रिस ने डॉटी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम दोनों एक नई सिटी में जाते हैं और वहां पर एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। डॉटी कहती है कि मुझे लास्ट टाइम जो से मिलना है। क्रिस इस बात से उसे मना करता है तो डॉटी उसके साथ आने के लिए मानती नहीं। क्रिस कहता है कि ठीक है तुम एक बार उसे मिल लो, रात में मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और मेरे साथ तुम आ जाना। इसके बाद फ्यूनरल होता है। डॉटी ने सारी सिचुएशन के बारे में जो को बता दिया था। हम फिर जो को मदर के बॉयफ्रेंड को पकड़ता हुआ देख सकते हैं। पैरेलल में क्रिस ने अपने सेफ्टी के लिए गन बाय कर ली। रात में डिनर के वक्त जो घर पर ही था। शार्ला कहती कि मुझे पता था कि क्रिस कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देगा। इस बात से जो को शार्ला पर शक चला जाता है। वो कहता है कि तुमने ये बात क्यों कही, क्या तुम इन सब में इन्वॉल्व थी? शार्ला कहती कि मुझे कुछ पैसे मिलने वाले थे। शार्ला कहती रिक्स भी इडियट है और उसने क्रिस को भी बेवकूफ बना दिया। रिक्स मदर के बॉयफ्रेंड का नाम था, तो जो को लगता है कि इन सब के बारे में शार्ला को कुछ ना कुछ तो पता था। उसने शार्ला से कहा कि अगर तुम्हें पता था कि क्रिस सब कुछ गड़बड़ कर सकता है, तुमने हम सबको रोकने की क्यों नहीं कोशिश की? इन सब में तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि तुम्हें भी पैसे मिलने वाले थे। मुझे तुम लोग $25,000 दे देते और बाकी के पैसे रख लेते। बाकी के पैसे कितने थे? पॉलिसी का प्राइस कितना था? शार्ला ये थी कि $100,000, पॉलिसी सिर्फ $50,000 की थी। तो जो इस बात को पकड़ लेता है। जो ने कहा कि अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो पॉलिसी के पैसे डबल हो जाते हैं और शार्ला को इस बारे में पता था। शार्ला कहती है कि मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं पता, इस सिर्फ मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? शार्ला का जिस आदमी के साथ अफेयर चल रहा था वो आदमी रिक्स ही था, क्रिस के एक्चुअल मदर का बॉयफ्रेंड। उन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था। जोनी जब रिक्स को पकड़ा तो शार्ला और रिक्स की न्यूड फोटोज उसे मिल गई थी और सारी चीजें उसने फिगर आउट कर ली थी। ये फोटो जो एंसल को दिखाता है, तो एंसल भी इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। पॉलिसी के $100,000 का चेक अब जो के पास था, पर रिक्स उसे पैसे देने के लिए मना कर रहा था। दूसरा कोई भी इन पैसों को निकाल नहीं सकता, पर जो और रिक्स में इन दोनों में फाइट हो गई, इस वजह से जो ने उसे मार दिया था। शार्ला जो पर ही गुस्सा हो गई थी तो जो उसे बहुत मारता है, उसने उसे जबरदस्ती भी की। जो ने कहा कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए, आजाद क्रिस यहाँ पर आकर मुझे मारने की कोशिश करेगा। वो डॉटी को उसके साथ लेकर जाना चाहता है। जो बहुत ही डेंजरस था तो एंसर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है। जो ने शार्ला को डिनर टेबल रेडी करने के लिए कहा। थोड़ी देर में क्रिस घर पर आ गया। जो कहता है कि चलो अब हम सब डिनर करेंगे, मेरे काम के मुझे पूरे पैसे नहीं मिले तो डॉटी अब हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और अब शादी करने वाले हैं। इस बात की वजह से क्रिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो डॉटी से कहता है कि जल्दी से अपना सामान पैक करो और हम यहाँ से चले जाएंगे। डॉटी उन दोनों में कंफ्यूज हो गई थी। जो और क्रिस फाइट करने लग जाते हैं और क्रिस ने गन निकाल ली। ये दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। फाइनली जो क्रिस को मार ही डालने वाला था। इस काम में एंसल भी जो को हेल्प कर रहा था। इस बात से डॉटी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसने गन लेकर इधर उधर गोली चलाई और सब लोग स्टॉप हो गए। वो गुस्से में क्रिस और अपने फादर एंसल को गोली मार देती है। उन्हीं की वजह से यह सब हुआ था। उन दोनों ने मिलकर डॉटी का सौदा किया था, तो इस वजह से उसने उनसे बदला लिया। फाइनली वो जो से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसके बाद उसने ट्रिगर दबा दिया। उसने रियलाइज किया था कि जो ने भी सिर्फ उसका फायदा उठाया, अब सिर्फ शार्ला बची थी तो उसे भी वो मार डालेगी। पर जब वो जो को मारती है तभी मूवी एंड हो जाती है। डॉटी जैसी भी थी पर वो स्मार्ट थी और अपना ख्याल रख सकती थी। लोगों ने जिस तरीके से उसे यूज किया ये बात उसे थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगी और फाइनली अपना बदलाव ले लेती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।